नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBSC न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ रही महंगाइयों के विरोध में कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की कड़ी में झालावाड़ के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शहर के मामा भांजा स्थित पेट्रोल पंप पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार से महंगाई कम करने और पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। झालावाड़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने कहा कि देश भर में पेट्रोल के भाव 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है, तो साथ ही देश भर में महंगाई भी अपने चरम पर है। इस दौरान कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है और आम लोग इस महंगाई से बिल्कुल त्रस्त है, क्योंकि आज जो पेट्रोल के दाम होना चाहिए वो 60-65 रुपये लीटर होना चाहिए, क्योंकि प्रति बैरल आज की तारीख में बहुत न्यूनतम दर है। जबकि UPA की सरकार थी उस टाइम बहुत महंगे दामों में तेल परचेज करके और सस्ते दामों में बेचा जाता था। आज गैस, डीजल, पेट्रोल और किसी भी प्रकार का सामान आप देख लें, चाहे साग सब्जी हो या खाद्यान्न पदार्थ हो, क्योंकि जब जब भी डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ती हैं तो बाज़ार में महंगाई अपने आप में चरम पे पहुंच जाती है। तो आम आदमियों को रिलीफ के लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी आज धरने प्रदर्शन कर रही है और आज जिस तरह का कांग्रेस मैसेज देना चाह रही है वो केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह की हठधर्मिता है महंगाई को लेकर के, वो सभी आप लोग परिचित हैं। आप लोग भी इस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।